नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं आलू का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे आलू का नाश्ता, इसलिए हमने आलू छीलकर ले लिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इस तरह से पानी में हम डालते गए हैं जिससे कि ये काले ना पड़े। हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसमें हमें छोटे छोटे आलू ही चाहिए, इसीलिए हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। अब हम क्या करेंगे, गैस जलाएंगे और इसमें पानी गर्म करेंगे बर्तन में। पानी हल्का सा खौल जाएगा, फिर हम इसमें आलू को मिलाएंगे, हल्का सा हम बॉईल करेंगे। पानी गर्म हो गया, इसमें हम कटे हुए आलू डाल देंगे। सॉफ्ट होने तक, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए बस इतना ही पकाना है। इन्हें 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए, इन्हें हम निकाल कर अलग रख लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। हम 1 चम्मच जीरा मिलाएंगे, खड़ा जीरा है, पाउडर नहीं है, और 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, इसे मिलाएंगे, और 1 कटी हरी मिर्च है, इसे मिला देंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती मिला देंगे। थोड़ा सा हम चाट मसाला मिलाएंगे, अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो चाट मसाला ना मिलाएं। अब हम इसमें अरारोट मिलाएंगे। हम स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, क्योंकि हमने चाट मसाला मिलाया है तो चाट मसाले में नमक होता है। इन सारी चीजों को हम हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू अभी गर्म है तो गर्म गर्म में अच्छे से सारे मसाले मिल जाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालकर मिक्स करेंगे। साइड में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, गर्म हो रहा है। इस तरह से सारे आलूओं को हथेली पर लेके एक गोल आकार दे देंगे और सारे आलू आपस में चिपक जाएंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है तो हम डाल देते हैं तलने के लिए। हमको इन्हें तब तक छेड़ना नहीं है जब तक ये नीचे से थोड़ा सा क्रिस्पी, थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। जब ये नीचे से थोड़ा सा सिक जाएंगे फिर हम इन्हें दूसरी तरफ को पलट देंगे। अब हम इन्हें पलट देंगे, थोड़ा अंदर से जो है पक चुके हैं नीचे से। हमें इन्हें चलाते हुए चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन होने तक सेक लेना है। और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें निकाल कर अलग रखेंगे। इसमें हमने कलर मिला दिया है,
इस तरीके से फूड कलर तो रंग बिरंगे हो गए हैं। और ये नीचे से पक चुके हैं तो इन्हें भी हम पलट देंगे। और इस तरह से बहुत ही अनोखा और कुरकुरा नाश्ता कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है घर के रखे सामान से। और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से सारे हम नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा लाइक करें। इस तरह से जब हम नाश्ता बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। ये देखिए इस तरह से आवाज़ आ रही है इसमें खटखट की, और ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें।